वेलकम बैक बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस पर। और जैसा कि बच्चों आप इस समय देख रहे हैं कि हम लगातार आरआरबी एनटीपीसी को फोकस करते हुए लगातार एनटीपीसी बेस्ड हम लोग बच्चों यहां पर सेशन ला रहे हैं और लगातार बच्चों यहां पर सेट आप लोग के लिए लाए जा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के लाए जा रहे हैं। और बच्चों मैं उसे इस तरह से, इस आसान लॉजिक से, नौ ट्रिक, नो फॉर्मूला, ओनली लॉजिक बच्चों यहां पर चल रही है और ऐसी लॉजिक बच्चों मैं बता रहा हूं जिससे कि आपके हिसाब धड़ाधड़ चुटकियों में बनेंगे और उम्मीद है बच्चों की कमज़ोर विद्यार्थी भी मैथ को बनाने का साहस करेंगे। और उम्मीद है बच्चों जो भी इस वीडियो को लगातार बच्चे देख रहे हैं उन्हें आने वाले समय में बेहद ही फायदा मिलेगा और बच्चों मैथ के क्षेत्र में एक उम्मीद जगेगी। और उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे होंगे, इसे आप लोग एक्सेप्ट कर रहे होंगे बच्चों, इस रूल को समझ रहे होंगे, हमारे जो मेरी जो यहाँ पर जो इच्छाएं हैं उस बात को आप समझ रहे होंगे बच्चों। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आपके फायदे के लिए आज के इस सेशन में। तो यहाँ बच्चों आज के सेशन में आपके लिए फर्स्ट सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर इस समय ए अनुपात बी दी हुई है, बी सी और सी डी, और बच्चों आपसे ए अनुपात डी निकालनी है। तो बच्चों मैं बहुत ही सुपर लॉजिक बता रहा हूँ, जब भी बच्चों आपको इस तरह की तीन रेशियोज दी गई हो और सीधे ए अनुपात डी निकालनी हो, कुछ नहीं बच्चों, आपने सीधी तौर पर आपके जो यहाँ पर बच्चों 3:4 हैं बच्चों, उसके बाद 5:6 हैं, उसके बाद बच्चों 2:3 हैं, आप बच्चों इस तरह से लिखेंगे, जो इधर होगी वो बच्चों सबसे फर्स्ट की होगी यानी ए होगी और इस तरफ जो भी होगी बच्चों वो डी की होगी। बच्चों लेफ्ट और राइट में हमें जो कटने वाली टर्म मिलती है हम उसे कटा सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चों 3 और 3 कट जाएगी, उसके बाद बच्चों आप यहाँ से 2 3 6 कटा सकते हो, तो बच्चों आपके लिए यहाँ पर 5:4:12, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों 5:12 जो कि आपकी ए अनुपात डी है, तो इसे आप निकाल सकते हो बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों ये सब बिल्कुल ही लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रही होगी बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और भी कई से बड़े बड़े सवाल भी बच्चों इस तरह के लॉजिक से हमारा बनेगा बच्चों, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। तो आइए बच्चों अगले सवाल पर आते हैं। एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी CI बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 वर्ष में 5,832 हो जाती है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लॉजिक बता दूँ, जब भी आपके CI हो और आपके वहाँ पर रेट परसेंट दी हो, तो 8% सबसे पहले बच्चों आपके लिए 8% बराबर हो जाती है 2/25। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपने बच्चों रखी 25 रुपये, तो आपके अगले साल वो पैसे कितने हो जाएंगे बच्चों, इंटरेस्ट के साथ 27 रुपये हो जाएंगे। पर बच्चों आपने 2 वर्ष के लिए यहाँ पे पैसे रखे हैं, फिर से आपके जो 25 है बच्चों ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 27 हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों अगर आपने इधर 625 रुपये रखी होगी तो आपके ये पैसे बढ़कर हो जाते हैं बच्चों 729। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि जो पैसे आपने बच्चों 625 रखी वो आपके 729 हो गए। तो बच्चों यहाँ 729 नहीं होकर ये आपके लिए यहाँ पर बच्चों कितनी हो जा रही है, 5,832 हो जा रही है। तो बच्चों हमें यहाँ देखनी कि ये कितने गुने हो रही है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अगर बच्चों हम देखें तो अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8×9=72, 8×2=16 और 7×23, यानी कि बच्चों उम्मीद है कि ये 8 गुनी ही हो रही है और बच्चों निश्चित रूप से 8 गुना करने पर। तो अगर बच्चों 8 गुनी आपकी अगर बच्चों एग्रीगेट है यानी कि जो मिश्रधन है, तो बच्चों आपकी 8 गुना तो आपकी धन भी हो जाएगी। तो धन जब बच्चों इसे आप 8 गुना करोगे तो 625×8 यानी कि बच्चों आपके हो जाएंगे 5,000, यानी कि बच्चों आपके जो पैसे थे वो 5,000 थे जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,832 2 वर्ष में हो गए। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लॉजिक भी अच्छी लगी होगी, नौ फॉर्मूला, नौ ट्रिक्स, ओनली। बच्चों यहाँ पर अब आपके लिए जो अगली सवाल है, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक से दूरी तय करता तो 40 मिनट कम समय लगते, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम की चाल से दूरी तय करता तो उसे 40 मिनट अधिक लगते। तो
तो बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी सवाल में हल्की सी मिसिंग है बच्चों, यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल यहाँ पर होनी थी। तो यहाँ पर बच्चों हम यहाँ देखते हैं, तो अगर यहाँ पर यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से चलता, तो सबसे पहले बच्चों जो उसकी मेन चाल है वो हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों मेन चाल को हम लोग एक्स मान लेते हैं। और जब भी बच्चों इस तरह की सवाल हो जहाँ मेन चाल मालूम नहीं हो और दो बार कंडीशन दी गई हो कम ज़्यादा करने की, तो इस तरह से ले लेंगे बच्चों, यानी फर्स्ट चाल एक्स और 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पे चाल, तो दोनों चाल को बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे और जितनी भी बच्चों यहाँ पर बढ़ाई या घटाई जाएगी वो यहाँ पर बट्टे करने के बाद बच्चों यहाँ पर जो समय का जो डिफरेंस होगा यानी 40, उसे ही हम समय मानकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बच्चों दूरी हो गई, तो यहाँ पर बच्चों ये पहली दूरी हो जाएगी। उसके बाद जब बच्चों फिर से आप जब चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम की चाल से चलोगे, तो यहाँ पर बच्चों x माइनस 2 हो जाएंगे और बट्टे यहाँ पर हम लोग 2 करेंगे इंटू बच्चों इधर भी हम लोग यहाँ पर 40 देंगे। तो बच्चों इस मिनट को यहाँ घंटा बनाने के लिए बट्टे 60 करनी होगी। तो चूँकि दोनों तरफ बच्चों एक ही चीज़ है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, हम 40-40 सीधे तौर पर कटा देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये आपकी एक्स एक्स भी कट जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 3x-6=2x+6 हो जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों आपकी जो x की वैल्यू है वो आपके लिए आ जाएगी 12। तो जब भी बच्चों आपकी x की वैल्यू आपकी 12 आ गई, तो यहाँ पर आपको दूरी निकालनी है। तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो 12 × 12+3=15/3 बच्चों यहाँ पर 40 थी। तो यहाँ पर बच्चों अब हमें इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों 20 × 40 = 60। उसके बाद बच्चों आपके यहाँ पर 3 × 4=12 कट जाएंगे, 3 × 5 यहाँ पर 15 कट जाएंगे, तो 2 × 5=10 = 40। यानी कि बच्चों जो दूरी है वो आपके लिए हो गई यहाँ पर 40 किलोमीटर। तो उम्मीद है बच्चों इस सवाल को आप लोगों ने भी समझ पाया होगा अच्छे तरीके से। तो जब भी इस तरह के सवाल बच्चों, तो आपको ये लॉजिक याद रखनी है कि हम हमेशा मूल चाल और बच्चों बढ़ने या घटने वाली चाल और बट्टे जितना हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे और इनटू समय हमेशा कर देनी है। तो बच्चों यहाँ पर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर एक सवाल आपको दी गई है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप है 40 मीटर। तो बच्चों आप तो समचतुर्भुज तो आप जान ही रहे बच्चों, समचतुर्भुज इस तरह से होती है जिसकी चारों भुजाएँ बच्चों बराबर होती है। तो समचतुर्भुज की बच्चों चारों भुजाएँ बराबर होनी चाहिए, तो चारों भुजाएँ बराबर है और इसका परिमाप 40 मीटर है। तो बच्चों परिमाप चारों भुजाओं का योग, तो बच्चों जब परिमाप 40 है तो इसका मतलब इसकी प्रत्येक भुजा 10-10 हो जाएगी। और बच्चों इसकी ऊंचाई 5 मीटर दी गई है, ये बच्चों ऊंचाई हो गई 5 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए ये आधार हो गई और ये ऊंचाई हो गई, तो इसका क्षेत्रफल जब आप निकालोगे बच्चों, तो आधार गुना शीर्षलंब, यानी कि बच्चों जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो आधार गुना शीर्षलंब, यानी कि बच्चों 10 × 5 तो 10×5 हो गए बच्चों 50, यानी कि 50 वर्ग मीटर। ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन, लॉन मतलब बच्चों एक तरह का यहाँ पर पार्क जैसा होता है, छोटा जैसा पार्क, इसकी जो बच्चों यहाँ पर 24 मीटर लंबाई दी गई है और उसके बाद बच्चों जो चौड़ाई है वो बच्चों यहाँ पर 16 मीटर दी गई है। अब बच्चों यहाँ पे कही जा रही है कि इसके चारों ओर यानी लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पदपथ बना हुआ है। तो बच्चों 2 मीटर इधर भी बढ़ेगी, 2 मीटर इधर भी बढ़ेगी। तो जब भी बच्चों हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो ये जो टोटली जो यहाँ पर बच्चों आपकी 2 तो आपने इधर भी बढ़ा दी, 2 आपने इधर भी बढ़ा दी, तो 24 × 2=26। अब जो इसकी लंबाई हो जाएगी वो 28 हो जाएगी। इसी प्रकार जब बच्चों 2 मीटर आप इधर चौड़ाई बढ़ा दोगे, 2 मीटर आप इधर चौड़ाई बढ़ा दोगे, तो इस तरह से बच्चों ये आपकी जो टोटली हो जाएगी 16, 2, 18 और 2, यानी कि ये 20 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए ये जो टोटली जो आपके बच्चों इस तरह से आपकी ये नई जो आयताकार हो जाएगी ये इतनी बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर पदपथ का क्षेत्रफल, ये जो बच्चों साइड से ये पदपथ बन गई इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर जो बाहरी आयत हो गई उसकी क्षेत्रफल तो आपके लिए हो गई 28 × 20, और बच्चों जो अंदर की जो क्षेत्रफल है वो तो आपके लिए थी 24 × 16। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए
यहाँ पर बच्चों जब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करके जब माइनस कर लोगे बच्चों, तो ये आपकी आसानी से यहाँ पर आंसर आपकी आ जाएगी। तो 28 दूनी 56 ये हो गए 560, और यहाँ बच्चों 16 चौके 64 का 4 बचा 6, तो 16 दूनी 32 36 384। तो जब आप 560 में 384 घटा लोगे बच्चों, तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएंगे 176, यानी कि 176 वर्ग मीटर आपके लिए हो जाएंगे पदपथ का क्षेत्रफल। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी कि बच्चों अगर ए 3x रुपये कमाता है तो बी बच्चों 2x रुपये कमा रहा है, और वहाँ पर बच्चों बता रहा है कि उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है, और प्रत्येक 1000 रुपये बचा लेता है। यहाँ पर बच्चों जो भी कमा रहा हो पर, लेकिन जो प्रत्येक जो कितना बचा रहा है, प्रत्येक 1000 बचा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इसके आय में इसकी बचत को निकाल देते हैं 1000 रुपये, और इसके आय में से भी इसकी बचत जो है 1000 रुपये निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बच्चों इसकी जो रेशियो हो जाती है वो हो जाती है बच्चों 5:3। तो आप यहाँ पर बच्चों अगर आप इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपकी आसानी से आपकी यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाएगी, और आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हो बच्चों। अगर आपकी जो आय के अनुपात है 3:2, और जो खर्च है बच्चों वो अनुपात आपको दी गई है 5:3, यहाँ पर 3 दी गई है, तो बच्चों यहाँ पर जो आपके बीच की डिफरेंस है वो है बच्चों 1। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखी जाए तो यहाँ पे आपको दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो 1000 है, तो यहाँ पर डिफरेंस है 2 और यहाँ डिफरेंस 1 है, तो इसे बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए हो गई, अगर बच्चे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 6 × 4, और ये बच्चों 5 × 3। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ भी 6:5 यानी कि 1:1 कम हुआ, यहाँ भी 4:3 1:1 कम हो रहा है। तो बच्चों दोनों के 1:1 कम हो रहे हैं, तो 1:1 बराबर कितने हो रहे हैं, 1000 रुपये हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों 1000 रुपये बचा रहा है, तो 1000 रुपये कम हो गए। तो बच्चों ए की जो आय है वो 6 है, यानी कि 6000 रुपये वो ए की आय हो गई बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से समझ पाया होगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमने क्या कि आय की जो रेशियो उसे ले लिया, खर्च की रेशियो को ले लिया। अब बच्चों हम लोग को यहाँ पे क्या करनी है, जो दोनों रेशियो की जो गैप है, यहाँ पर बच्चों डिफरेंस 5 × 3 = 2, यहाँ पर बच्चों 3 × 2 = 1। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, जिसमें 1 थी उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों के डिफरेंस को इक्वल कर लिया। अब यहाँ भी 6 × 4 = 2 की डिफरेंस है, यहाँ 5 × 3 = 2 की डिफरेंस है। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा ये 6 से 5 यानी कि ये 4 से 3, तो दोनों में 1 की कम हो रही है, और दोनों के यहाँ पर बच्चों 1000 रुपये बच भी रहे, तो 1 की वैल्यू 1000, तो 6 की वैल्यू 6000, यानी कि बच्चों ए की आय 6000 और बी की आय 4000 हो जाएगी यहाँ पर। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए दी गई कोई कार्य 20 दिनों में पूरा किया जाना था, लेकिन 16 व्यक्ति प्रथम दिन से ही काम पर नहीं आए। तो बच्चों यहाँ पर काम पर 16 व्यक्ति नहीं आए, तो मान लेते बच्चों यहाँ पर फिर क्या कहा जा रहा है कि काम को शेष व्यक्तियों ने 36 दिन में पूरा किया। तो 16 व्यक्ति नहीं आए, अब शेष व्यक्ति, इसका मतलब बच्चों मान के चलो कि जो यहाँ पर जो कुल मजदूर थे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग को कुल मजदूर की बात करनी होगी। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर कुल मजदूर को मान लेते हैं x, तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए अगर x मजदूर होते तो वो x मजदूर कितने दिन में काम करते, 20 दिन में काम करते, यानी x × 20 मजदूरी की काम होती। लेकिन बच्चों जब यहाँ पर 16 व्यक्ति काम पर नहीं आए तो x माइनस 16 व्यक्ति ही काम पर आए, तो इस कारण बच्चों यहाँ पर उसे 36 दिन तक मजदूरी देनी पड़ी, तो इंटू 36 दिन की मजदूरी देनी पड़ी x माइनस 16 को। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, जो 5 × 4 = 20 × 4 = 36, तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए हो गई 5x इक्वल टू, यहाँ हो गई बच्चों 5x इक्वल टू हो गए बच्चों 9x, और माइनस बच्चों 16 आपके हो गए बच्चों 144। तो जब भी बच्चों आप यहाँ पर 9x में 5x माइनस करेंगे तो 4x इक्वल टू आपके लिए हो गए 144।
तो यहाँ से बच्चों चार से अगर हम इसे कटा दे तो चार तिया बारह, चार छके चौबीस, एक्स की वैल्यू 36 हो गई। तो यहाँ पर बच्चों जो आपके लिए मूल संख्या जिन व्यक्तियों को सौंपा गया था उनकी मूल संख्या वहाँ पर 36 रही थी। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर बच्चों अब अगले सवाल की ओर। दो संख्याओं का जो महत्तम यानी एस सी एफ 24 दे दी गई है आपको बच्चों, यहाँ पर एस सी एफ बराबर 24 दे दी गई है और उनका एल सी एम 136 है, तो एल सी एम बराबर 136। तो पूछ रहा है आपसे इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो जब भी बच्चों मान के चलो आपकी वो संख्या ए और बी थी, ए और बी के लिए एस सी एफ आपकी 24 है और ए और बी की एल सी एम 24 136 है, तो जब भी बच्चों ए और बी की मल्टीप्लीकेशन होगी तो अगर हम एस सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आपकी वो संख्या आ जाती है। तो हमने बच्चों 136 को अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दे तो बच्चों आपके लिए यहाँ पर हो जाएगी, तो आपके लिए लगभग बच्चों हो जाएंगे 3624 मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों, क्योंकि 6 6 24 यहाँ आ रही है अंत में, तो लगभग बच्चों 3200 तो नहीं होगी, यहाँ पर 3600 लगभग यहाँ पर आपकी हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं बच्चों अगली तरफ। यहाँ पर तीन भिन्न चौराहों पर तीन यातायात बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 100 सेकेंड में बदलती हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब भी इन बत्तियों के रंग एक साथ बदलेंगे तो वो कब बदलेंगे, इनकी जो एलसीएम होती है बच्चों, तो 148 और बच्चों यहाँ पर जब आप 72 की आप एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ चार से यहाँ पर बच्चों 25 बार में, 12 बार में और 4 से बच्चों आपके 18 बार में, तो फिर बच्चों हम यहाँ पर लगा देते हैं 6 से, तो ये हो गए 25, 6 दुनी 12, 6 तीन 18 और तो बच्चों अब नहीं लगेंगे, तो 25 चौके 100 और 6 दुनी 12 तीन 36, यानी कि बच्चों ये हो गए 3600। तो 3600 यहाँ पर बच्चों सेकेंड हो गई, तो 3600 सेकेंड के मतलब बच्चों आपको एक घंटा हो गई, यानी कि बच्चों जब भी ये आपस में एक बार बजेंगे तो एक घंटा के बाद ही बजेंगे। इसका मतलब बच्चों अगर 8 बजे एक साथ बदला तो अगले बार एक साथ कब बदलेंगे, 9 बजे बदलेंगे बच्चों एक घंटे बाद। तो उम्मीद है बच्चों इसको भी आप लोगों ने अच्छे से समझ पाया होगा। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल के बीच। यदि एक संख्या किसी ऐसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है से 5 गुनी बड़ी है तो वह संख्या क्या है। तो बच्चों एक संख्या ऐसी है जो दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम, तो बच्चों 40 से 4 कम कितनी हो गई आपकी, 36 हो गई। 40 से 4 कम है से 5 गुना बड़ी है, तो बच्चों इसकी 5 गुना बड़ी करेंगे तो बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। बच्चों यहाँ बच्चों सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर बच्चों कंफ्यूज करने के लिए ऐसी सवाल बनाई गई है। तो बच्चों ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं और कभी कभी अचानक ऐसे सवाल आने से बच्चों उलझने का डर होता है। तो बच्चों ऐसे भी छोटे छोटे सवालों पर भी आप लोग ध्यान दें। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। किसी महीने में तीसरे सोमवार के अगले दिन 16 तारीख, तो बच्चों यहाँ पर सीधी सी बात है कि सोमवार के अगले दिन यानी कि बच्चों मंगलवार को आपके हो गए 16 तारीख, तो पाँचवें सोमवार के एक दिन पूर्व कौन सी तारीख होगी। तो जब बच्चों मंगलवार को आपके 16 हो गए तो सोमवार को आपके हो गए 15, तो फिर बच्चों 7 दिन पहले यानी कि आपके 8 तारीख को भी हो जाएंगे बच्चों आपके सोमवार हो जाएंगे और फिर 1 तारीख को आपके सोमवार हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों पहला सोमवार 1 तारीख, दूसरा सोमवार 8 तारीख, तीसरा सोमवार 15 तारीख और जो चौथा सोमवार होगा बच्चों 15/7 22 तारीख को और जो पाँचवा सोमवार होगा वो बच्चों 22/7 29 तारीख को। तो पाँचवें सोमवार के एक दिन पूर्व कौन सी तारीख थी, तो पाँचवा सोमवार यहाँ पर बच्चों 29 तारीख को है, तो एक दिन पूर्व आपकी 28 तारीख हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर। तो बढ़ते हैं बच्चों फिर से अगले सवाल की ओर। किसी मीटिंग की आयताकार मेज की भुजाएं, तो बच्चों किसी मीटिंग की एक जो मेज बन रही है वो आयताकार है इस तरह से, इसकी भुजाएं 12 मीटर और 60 मीटर है, यानी कि बच्चों इसकी लंबाई 12 मीटर है और बच्चों इसकी जो चौड़ाई है वो आपको 7 मीटर दी गई है। यदि उसकी 7 मीटर की भुजा पर अर्धवृत्ताकार बनाकर जोड़े गए, तो बच्चों इस मेज को थोड़ा सुंदर दिखने के लिए इस तरह से यहाँ पर इसके दोनों ओर यहाँ पर इस तरह से
जोड़ दी गई है। तो बच्चों यहाँ से आपके लिए पूछा जा रहा है कि अर्धवृत्ताकार बनाकर तो मेज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले आपकी जो आयताकार पोर्शन थी उसकी क्षेत्रफल तो आपकी यहाँ पर 12 × 84 हो गई, तो बच्चों इसे ले लिया। अब बच्चों जो आपके जो अर्धवृत्ताकार पार्ट बचते हैं, तो बच्चों यहाँ पर 2 अर्धवृत्ताकार पार्ट जोड़े गए, तो जब दोनों को बच्चों यहाँ पर मिलाएंगे तो एक वृत्त जैसा बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर आपके लिए हो जाएंगे 22/7 × r². तो यहाँ पर बच्चों जो ये आपकी जो ये 7 मीटर वाली भुजा है वो तो d की काम कर रही है, तो d बराबर 7 हो रहे हैं, तो r आपके लिए बच्चों कितनी हो जाएंगे, तो r आपके लिए हो जाएंगे 7/2। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल आपके लिए 7/2 गुना बच्चों 7/2, तो 7 यहाँ पर कट जाएंगे, 2 से ये कट गए 11 बार में, तो 11/7 = 77/2। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए हो गए 38.5। तो ये बच्चों वृत्त वाले हिस्से का हो गया, और जो आयताकार हिस्सा था उसके लिए 84, तो 84 + 38.5 यहाँ पर बच्चों आप लोगों को यहाँ पर जोड़ देनी है, तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों 122.5 वर्ग मीटर। तो उम्मीद है बच्चों इस सवाल को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। 5% और 7.5% के लाभ पर एक हीटर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 1.25 रुपये है, तो हीटर का क्रय मूल्य क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आपने पहले जो रेट थी वो 5% और बाद में यहाँ पर 7.5% के लाभ पर बेचा, तो बच्चों 7.5% और जो 5% में डिफरेंस कितने का है बच्चों, वो है 2.5% का। तो ये जो बच्चों 2.5% है वो कितने रुपए के बराबर है बच्चों, 1.25 के बराबर है। तो हमने बच्चों यहाँ पर देखा कि अगर यहाँ पर बच्चों आपके पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर बच्चों पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ हमने 10 लगा दिया, तो अब यहाँ पर बच्चों पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान हो गई, तो 125 × यहाँ पर 2% कितने के बराबर हो गए बच्चों, 1 के बराबर हो गए। तो इसका मतलब बच्चों अगर 50 × करेंगे तो 100% बराबर आपके हो जाएंगे 50। तो यहाँ पर बच्चों इसका मतलब हीटर का क्रय मूल्य जो है वो है 50 रुपये। तो काफ़ी आसान सवाल था बच्चों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक व्यक्ति ने 27 टेबल 5,940 रुपये में खरीदी है, कितने टेबल खरीदी, यहाँ पर उसने बच्चों 27 टेबल खरीदी, उनमें उन्हें उसने ऐसे भाव पर बेचा कि 5 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो सोचो बच्चों कि आपने यहाँ पर 27 टेबल खरीदी, तो यहाँ पर बच्चों आप 1 टेबल बेच रहे हो, 2 टेबल बेच रहे हो, जब आपने बच्चों 27 टेबल बेची तो जो 5 टेबल की आपको, तो 5 टेबल तो आपको लाभ ही हो गए। इसका मतलब था बच्चों कि आपके 22 ही टेबल पर तो आपके पूंजी निकल गए, यानी 22 टेबल को आपने कितने में बेच दिया होगा, 5,940 में बेच दिया होगा। अब आप सोचो बच्चों कि अगर 5 टेबल की दाम आपको लाभ में मिल गई, तो आपने तो 22 ही टेबल को ना 5,940 में बेच दिया। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाभ प्रतिशत कितने हो गए बच्चों, आपने 5 टेबल यहाँ पर लाभ कमा लिया और 22 टेबल आपके क्रय मूल्य हो गए, तो 5/22 कर देंगे बच्चों 100। तो यहाँ पर आपके 11×22 सॉरी बच्चों 2 से यहाँ पर 11 बार में और 2 से ये 50 बार में, तो आपके यहाँ पर जो बच्चों हो जाएंगे 250/11। तो यहाँ पर बच्चों 11×22, तो आपके लिए बच्चों यहाँ हो जाएगी 22.8% यहाँ पर बच्चों ये लाभ की प्रतिशत हो जाएगी। सीधी बात है बच्चों, 5 टेबल आपके लाभ हो गए, अब 22 टेबल में आपका यहाँ पर जो है वो CP निकल गया, तो CP को हम लोग 22 मानेंगे और लाभ को 5 मान लेंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। तो बच्चों यहाँ पर आज के सेशन में इतनी सवाल थी बच्चों, उम्मीद है सारे सवाल आपको लॉजिकल बताए गए। और बच्चों अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू अगर आप देखते रहोगे तो उम्मीद है बच्चों चुटकियों में आप मैथ बनाना सीख जाओगे बच्चों, और आप सवाल को देखते के साथ बनाने की क्षमता रखने लगोगे। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत है, आप देखोगे और लाइक और सब्सक्राइब भी करोगे, तो बच्चों मैं आप लोगों के बेहतर फ्यूचर और बेहतर बच्चों आपके मैथ के जो आपके सॉल्यूशन के लिए मैं बच्चों लगातार वीडियो ला रहा हूँ। तो उम्मीद है बच्चों इससे आप लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा होगा। तो बच्चों आगे और भी मैं वीडियो लाता रहूँगा, तो आप भी बच्चों इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएँ, लाइक करवाएँ
और बच्चों इसे अधिक से अधिक फैलाएं ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी फायदा हो। तो इसी उम्मीद के साथ बच्चों आज का यहाँ पर क्लास समाप्त हो रहा है। तो बच्चों अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।